नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको फुल हाइलाइट दिखाने वाले हैं। राजस्थान और खेले गए मुकाबले चेन्नई के नहीं, ये पंजाब किंग के थे। ये दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा ये मुकाबला कमाल और लाजवाब शानदार खेला गया, जो किसी को उम्मीद न था। इस मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी चली, ताबड़तोड़ गेंदबाजी चली, जिस कारण से इस मैच में एक शानदार वाले जीत दर्ज कर ली है। नहीं तो इस मैच में किसी को नहीं लग रहा था जो कम से कम इस मैच में RCB की तरह राजस्थान भी जीत जाएंगे। लेकिन देखिए, पंजाब ने इस मुकाबले में जिस प्रकार जीते वो कमाल किए हैं, क्योंकि शुरुआती में पंजाब ने अपनी गेंदबाजी से दबदबा बनाए थे, लेकिन जब बल्लेबाजी करने के लिए आए थे तो RCB की तरह इस भी मैच में आपको बता दें दबदबा पंजाब पर बना दिए थे राजस्थान वालों ने, जो विकेट लगातार लेने लगे थे। और उसके बाद लग रहा था जो पंजाब किंग इस मैच को हार जाएंगे, लेकिन इस मैच में सेम करण बल्लेबाजी कर रहे थे और सेम करण के बल्ले से रन बरस रहे थे। और सेम करण ने लास्ट तक इस मैच में खेले और साथ में आशुतोष शर्मा थे, दोनों ने लास्ट तक के मैच को ले गए और लास्ट में जाकर के जिता दिए। इतने ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बल्लेबाजी चली और सेम करण ने IPL 2024 में पहला अर्धशतक उनके बल्ले से आया है, वो भी पहला आया है चेसिंग के समय, वो भी अपने टीमों को जिताने के समय, वो भी आपको बता दें जो कि इम्पोर्टेंट पारी। इस मैच में तो कमाल कमाल की बातें चली, कमाल कमाल की चर्चा चले, जिस कारण से इस मैच में पंजाब जीते। नहीं तो पंजाब के हाथों से पूरी तरह से मैच छिटक चुके थे। आवेश ने इस मैच में 2 विकेट लिए, ट्रेंट बोल्ट को 1 विकेट मिला, UG चहल को 2 विकेट मिला, नहीं तो उसके बाद एक भी विकेट किसी को ना मिला, जिस कारण से इस मैच में राजस्थान को हार मिला और राजस्थान को लगातार मैचों में हार मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, आई होप इज अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छे लगे जरूर से वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो भाई भी अपना ख्याल रखिएगा।